नमस्कार, मैं आपसे आज कुछ सरल परंतु महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है, क्या आप हिंदू हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आप धार्मिक हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं या मंदिर जाते हैं? मेरा चौथा प्रश्न है, क्या आपके बच्चे हैं या आपके बड़े भाई या बहन के बच्चे हैं? मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या आप एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को या अपने भतीजे भतीजियों भांजे भांजियों को धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हें पूजा पद्धतियां सिखाते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सारे प्रश्न क्यों। तो ठीक है, मैंने प्रश्न तो कई पूछ लिए, अब उत्तर देता हूं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है उसका लचीलापन, ढलने और बदलने की उसकी प्रवृत्ति। आप ईश्वर को मानते हैं, आप आस्तिक हैं, नहीं मानते तो नास्तिक हैं। ईश्वर के आकार को मानते हैं तो आप सगुण ब्रह्म मार्ग अपना सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी हैं तो आप निर्गुण ब्रह्म अपना सकते हैं। शिव को श्रेष्ठ मानते हैं तो शैव मार्ग है, विष्णु को श्रेष्ठ मानते हैं तो वैष्णव मार्ग है, शक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं तो शाक्त मार्ग है। सबको समान मानते हैं तो सबकी पूजा कर सकते हैं। अगर पद्धतियों और विचारों को समझना है तो वेद है, भावार्थ जानना है तो उपनिषद है, कथा रूप में समझना सरल है तो पुराण है, साहित्य चाहिए तो महाभारत और रामायण है, कर्म मार्ग में रुचि है तो गीता है, तीर्थ पर जाना है तो हर गली में मंदिर है, चार धाम है, शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, और अगर नहीं जाना है तो घर पर एक छोटा सा पूजा घर ही आपका तीर्थ बन सकता है। पढ़ने के लिए मंत्र है, समझने के लिए सूत्र है, और गाने के लिए भजन है। परंतु हिंदू धर्म का लचीलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति होने के साथ साथ ही उसकी सबसे बड़ी निर्बलता भी है। हमारा धर्म डूज और डोंट्स पर आधारित नहीं है। हमारी कोई एक पुस्तक नहीं है जिसमें लिखित आदेश सर्वमान्य हो। हमारा कोई एक सर्वव्यापी भगवान तक नहीं है जिनका कथन हमारा विधि विधान हो। सनातन का अर्थ है सदा से। हमारा धर्म मार्केटिंग या दूसरों को धर्मांतरित करने के लिए नहीं बनाया गया था, और इसी कारण आज के आधुनिक युग में हमारे सामने एक अनोखी चुनौती आकर खड़ी हो गई है, जिससे अभी नहीं निपटा गया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मैं अभी दो विषयों की बात करूंगा, पहला नया और दूसरा एक दो वर्ष पुराना। कुछ दिनों पहले खबर आई कि झारखंड में एक चोर तबरेज अंसारी सरेआम पीट पीट कर मार डाला गया। फिर बात उठी कि उस भीड़ में कुछ लोगों ने उससे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। धीरे धीरे ये मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर बन गई और इसे उग्र हिंदुत्व के परिणाम का नाम देकर खूब उछाला गया। टिकटॉक नाम का एक वीडियो शेयरिंग ऐप जिसमें अक्सर लोग नाचने गाने और डायलॉगबाजी के वीडियोस डालते हैं, उसमें फैजल शेख और हसनैन खान नाम के दो टिकटॉक सेंसेशंस ने एक वीडियो डाला जहां सरेआम तबरेज अंसारी का प्रतिशोध लेने की बात की गई और साथ ही साथ आतंकवाद को भी सही ठहराया गया। इस वीडियो की चारों ओर घोर निंदा हुई, खास करके हिंदू समाज की ओर से, और इसके कारणवश ऐप कंपनी ने इनके अकाउंट्स डिलीट कर दिए। पर उसके बाद जो हुआ वो आप स्वयं ही देख लीजिए। फैजल और हसनैन के कुछ महिला प्रशंसकों ने इंस्टाग्राम पर उनका समर्थन किया और उनका बचाव भी किया। हमने जानबूझकर इन महिलाओं के नाम और चित्र छुपा दिए हैं, पर ये सारी की सारी हिंदू महिलाएं हैं और 20 वर्ष के आसपास की हैं। इनमें से कई इन लड़कों से मंत्रमुग्ध दिखती हैं, तो कईयों को अंसारी के प्रतिशोध लेने की बात और आतंकवाद को सही ठहराना भी सही लगता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये शायद कुछ बेवकूफ लड़कियां हैं और अधिकतर समाज ऐसा नहीं है। ऐसा समझ के आगे बढ़ जाना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, और यहां मैं इन लड़कियों को दोषी नहीं मानता। ये बस एक सेलिब्रिटी की प्रशंसक है और उनके आगे इन्हें भला बुरा कुछ नहीं दिखता। यहां असली दोषी इनके माँ बाप और बाकी के रिश्तेदार हैं। अगर इनके माँ बाप ने इन्हें अपने धर्म से अवगत करवाया होता, हिंदू धर्म की शांति प्रियता और सहिष्णुता से अवगत कराया होता, तो इन्हें समझ में आता कि किसी को पसंद करना तो अलग बात होती है, परंतु उसके मुंह में एक ऐसी मानसिकता का समर्थन करना जिसका सबसे बड़ा शिकार भारत देश और हिंदू धर्म ही है, तो वे कदापि ऐसा नहीं करती। अब मैं आता हूं दूसरे उदाहरण पर। केरल का अखिला हदिया प्रकरण तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो मैं संक्षिप्त रूप से आपको वो कहानी बताता हूं। अखिला केरल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी एक साधारण लड़की थी। उसके पिताजी घोर वामपंथी थे और घर का माहौल मॉडर्न था। यह मॉडर्न का तात्पर्य ईश्वर उनकी आराधना, धर्म कर्म की बातें और पूजा पाठ से सर्वथा दूरी बनाए रखने से। मॉडर्न परिवार की अखिला ने कभी रामकृष्ण की कथाएं नहीं सुनी, कभी भजन के लिए नहीं बैठी, कभी आरती की थाल से आरती नहीं ली, कभी प्रसाद नहीं खाया और ना ही हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों को जाना। फिर पढ़ाई के लिए उसे शहर से बाहर निकलना पड़ा, जहां मुस्लिम लड़कियां उसकी दोस्त बनी और बाद में रूममेट्स भी बनी। अखिला के बिल्कुल उलट उसकी दोस्त मजहबी थी और मुस्लिम धर्म के हर सूत्र का अक्षरशः पालन करने वाली थी। अखिला के मन में कौतूहल जागा, उसने जानने की इच्छा जताई, उसे उसके हर प्रश्न का उत्तर उसके दोस्तों से मिला। फिर उसके दोस्तों के माध्यम से वह एक मुस्लिम युवक के संसर्ग में आई जो उसके दोस्तों की तरह ही मजहबी था। अखिला को प्रेम हुआ, फिर उसका धर्मांतरण हुआ, उसका नाम बदलकर हदिया हुआ और उसकी उस युवक के साथ शादी भी हुई।
अब अखिला के घोर कम्युनिस्ट पिताजी हरकत में आए। पहले पुलिस के पास गए और फिर कोर्ट में। लव जिहाद का मामला उछला और कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अखिला को उसके पिताजी के पास वापस भेज दिया। इस फैसले की चहु और घोर निंदा हुई क्योंकि अखिला व्यस्त थी। ऐसे में कोर्ट ने अखिला को उसके पिताजी के पास क्यों भेज दिया? मामला अभी भी विचाराधीन है, लेकिन अखिला के पिताजी का दावा कमजोर है। अब यहाँ किसकी गलती है? अखिला की, उसके दोस्तों की जो उसे दूसरे धर्म की ओर लेकर आई, उस युवक की जिसने उसका धर्मांतरण करवा के उससे शादी की, या उसके पिता की जो मामले को कोर्ट तक लेकर गए? उत्तर है उसके पिता की। एक अबोध बालिका जिसने आज तक धर्म का ध भी नहीं सुना था, अचानक ऐसे परिवेश और माहौल में पहुंच गई जहां हर ओर मजहबी मजहब था। उसे वो असंसारिक अवलंब मिला जो उसे उसके घर पर कभी नहीं मिला था। कच्ची मिट्टी की तरह वो वैसे ही चाक पर घूमकर आकार लेने लगी जैसा उसके आसपास के लोगों ने उसे दिया। वो हिंदू से मुस्लिम बन गई, अखिला से हदिया बन गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता ने मॉडर्निटी के चक्कर में उसे अपनी जड़ों से काट दिया था। आज भारत में हजारों लाखों अखिला हदिया बनने को अग्रसर है, क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति को मॉडर्न बनना है। स्वघोषित मॉडर्न लोगों को धर्म पुराणपंथी विचारधारा लगती है, राम और कृष्ण काल्पनिक लगते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स महाभारत से अधिक वृहत और हैरी पॉटर रामायण से अधिक रोचक लगती है। मॉडर्निटी का अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति करना, प्रगति करना। पर जो प्रगति हमें हमारी जड़ों से ही काट दे, वो प्रगति नहीं दुर्गति है, उन्नति नहीं अवनति है, आगे बढ़ना नहीं नीचे गिरना है। इसलिए अब मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगा। मेरा पहला प्रश्न है, क्या आप हिंदू हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या आप धार्मिक हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या आप नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं या मंदिर जाते हैं? मेरा चौथा प्रश्न है, क्या आपके बच्चे हैं या आपके बड़े भाई या बहन के बच्चे हैं? मेरा पांचवा प्रश्न है, क्या आप एक अभिभावक के रूप में अपने बच्चों को या भतीजे भतीजियों या भांजे भांजियों को धर्म की शिक्षा देते हैं, उन्हें पूजा पद्धतियां सिखाते हैं? अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आने वाली पीढ़ी का धार्मिक और बौद्धिक प्रशिक्षण आज से ही प्रारंभ करें, ताकि आज से 15-20 वर्ष बाद मेरे जैसा कोई लेखक आपको आपके बच्चों के चारित्रिक हास के लिए दोषी ना ठहराए।